नमस्कार, मैं हूं रजनी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात महोत्सव के पहले मातम की। जी हाँ, जब भी त्योहार दिवाली दशहरा आते हैं उसके पहले हमेशा कहीं ना कहीं से खबर आती है, पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया और कई लोगों की जान चली गई। झारखंड में भी पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। आज सवाल यही है कि हमेशा हादसे के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं जागती सरकारें। इसी साल 20 सितंबर को पंजाब के संगरूर में पटाखा गोदाम में ब्लास्ट से 7 की मौत हो गई। 8 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 25 लोगों की जान चली गई। 7 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 5 की मौत हो गई। और 5 साल पहले भी 2012 में इसी सितंबर महीने में तमिलनाडु के शिवकाशी पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी जिसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। हादसे होते रहते हैं, फिर क्यों हम हादसों से सबक नहीं लेते? आखिर हर बार क्यों होता है महोत्सव के पहले मातम? दिवाली की खुशियां चल रही थी, उसके पहले दशहरा था और दशहरा यानी आतिशबाजी का मौका होता है। दिवाली यानी खुशियों की दिवाली होती है, उसके पहले लोग लगे हुए थे पटाखे की तैयारियों में। साप्ताहिक बाजार सजा था जमशेदपुर के पास बहरोड़ा में, जहां पर अचानक से धमाका हुआ और 8 जिंदगियां खत्म हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। देखिए रिपोर्ट। दौड़ते भागते ये लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं इन आग की लपटों से। ये महोत्सव के पहले मातम की तस्वीरें हैं। देखिए जरा कैसे खून से लथपथ लोग और दुखी उनके परिजन अस्पताल में परेशान हैं। दरअसल दिवाली और दशहरा नजदीक आते ही लोग पटाखे बनाने की तैयारियों में जुटे थे। गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने का कारोबार किया जा रहा था। फैक्ट्रियों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे जिसके कारण बड़ा हादसा हो गया। झारखंड राज्य में बंगाल की सीमा से लगे बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडूबी गाँव में रविवार शाम पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए विस्फोट ने 8 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 3 मंजिला इमारत ढह गई और 14 मकानों को भी अपने आगोश में ले लिया। खबर मिलते ही दमकल कर्मी और प्रशासन मौके पर पहुंचा। ये हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री के पास बनी मार्केट में कई लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे। इस हादसे में फैक्ट्री के मालिक की मां की भी जान चली गई। पूरा गोडाउन था, उसमें आग लग गया। कितने देर तक विस्फोट चला? अभी भी तो चल रहा था, हम लोग जब आए हैं विस्फोट हो ही रहा। जी, कितना आदमी था? बहुत आदमी, कुछ हो जाए ना, विस्फोट हो गया, घायल बहुत आदमी। वो बोलना मुश्किल है, नजदीक कौन जान सकेगा वहाँ पर। दमकल गया, अभी नजदीक नहीं भिड़ने नहीं। वो कौन बता रहा 7 सर्किट में हुआ, कौन बता रहा ऐसे आग लग गया घर में लगा दिया। और अच्छा, वो जो पटाखा बना, पटाखा का फैक्ट्री था ना? हाँ, उसका पटाखा फैक्ट्री था। कितना लोग अंदर में था, कितना लोग, क्या हुआ, कोई जानकारी? अंदर में कितना था क्या मालूम, वो तो 8 है ना आवाज। और खरीदने गया आदमी लोग सब, मेरा भाई जो गया था रिपेयरिंग करने ट्रॉय सारा ने, बहुत आदमी हाट के हाट जाता है। जमशेदपुर एडीसी ने बताया कि फैक्ट्री में न केवल गैर कानूनी तरीके से पटाखे रखे जाते थे बल्कि फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने का भी काम होता था। किए हुए था किसी घर में, पटाखा स्टोर किया हुआ था, वहीं आग लगा है और उसी में वो बिल्डिंग भी गिरी है। उसके अंदर में जो लोग थे, परिवार था और जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग घायल हुए हैं। अभी तक अपुष्ट सूचना है कि वहाँ भी 2-3 आदमी की कैजुअल्टी हुई है और
यहाँ पे दो आदमी को भेजा गया था, जिसमें से एक आदमी तो ब्रॉड डेड है, दूसरे घायल हैं जिनको कुछ चोट आई है, फ्रैक्चर वगैरह है। और कितने घायलों को यहाँ लाया? हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी दी। वहीं मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया। 3:30-4 बजे के आसपास थोड़ा बारिश हुई, थोड़ा कड़कड़ाहट हुआ, लोग को कहना है कि ठनका गिरा उसमें और पूरा 3 तला बिल्डिंग तो पूरा फटाका लगा था। वो जो कुमार डोबी गाँव है वो फटाका लिए फेमस है, पूरा हर जगह पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड के विभिन्न जगह शादी बिहार ऐसे ओकेजन में फटाका लेते हैं लोग, तो स्टॉक था। घटना को मैं तत्काल जो है उपायुक्त महोदय के साथ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए, अभी वो दिल्ली में है और इस दुर्गत घटना के लिए उन्होंने भी खेद दुख प्रकाश किया है और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि कंपनसेशन सरकार के नियम अनुसार हम लोग उसको कंपनसेट करेंगे। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल शासन प्रशासन से है। जब कुमार डुबी में पटाखों की बड़ी फैक्ट्रियां गैर कानूनी ढंग से चल रही थी तो रोका क्यों नहीं, रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्या इसी हादसे का इंतजार था? न्यूज इंडिया के लिए जमशेदपुर से लाला जबी की रिपोर्ट। महोत्सव त्योहार खुशियों का मौका होता है, ऐसे महोत्सव के पहले हमेशा मातम होता है। अब 5 साल पहले 2012 में 5 सितंबर को भी तमिलनाडु में अचानक से फैक्ट्री में धमाका हुआ, 38 लोगों की मौत हो गई, लाशें बिछ गई और कई लोग घायल हो गए। जो लोग घायल हो जाते हैं जिंदगी भर कोसते हैं उस वक्त को कि आखिर हम उस जगह क्यों गए थे। साप्ताहिक बाजार था, हाट थी, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग वहां पर गए हुए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि धमाका हुआ तो इसकी जद में आ गए। एक 6 महीने की मासूम बच्ची भी इसमें मारी गई है। फिलहाल ताजा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी लाला जबी जुड़ गई। लाला जबी, इस वक्त क्या खबर है? क्योंकि रात का अंधेरा होते होते शायद लोग नहीं बता पा रहे थे सही आंकड़ा, कितने घायल है, कितने लोगों की जान चली गई, अब क्या कुछ खबर है? हाँ, ये जो रजनी यहाँ पे जो है अभी अभी तक की जो खबर है कि ये मामला जो घटना घटी है वो बंगाल सीमा से सटे कुमार डूबी गाँव का है, जहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री लगी में आग लग गई, जिसके बाद धमाकों से एक बच्ची समेत 8 लोगों की मौत की अभी भी पुष्टि की जा रही है। लेकिन जहां तक सवाल उठ रहा है कि बहुत कुछ लोग का मलबा के अंदर भी अभी रहने का आशंका जताया जा रहा है, फिलहाल अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं किया गया है और अभी भी हो किसी भी कैलाश होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी जो पुलिस है ना वहां पे घटना स्थल पे पहुंच करके पूरे जांच में जुट गई है कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी भी जो है राहत का काम किया जा रहा है। रजनी, दूर दूर तक लपटे उठ गए और उसकी आग में कई लोग वहां पर जल गए, जैसे आप कह रहे हैं काफी लोग जख्मी भी हुए हैं, क्या पहले से नहीं पता है? हम विधायक की बात सुन रहे थे, कुमार डुबी के बारे में कह रहे थे, यहाँ पर फैक्ट्रियां चलती हैं तो क्यों महोत्सव के पहले हमेशा मातम होता है, क्यों प्रशासन सतर्क नहीं होता है? हाट का वक्त था, उसके पहले से ही तैयारी शुरू हो जानी थी, छापेमारी की, रोकने की, समझाने की, कार्रवाई की, इन सब में देरी क्यों हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखा जा रहा है कि ये बैरागोड़ा जो है इसमें दर्जनों है ना घायल हो गए हैं और 14 मकाने जल गई है जो आग की चपेट में आ गई है। तो इस तरह से ये जो है कि जहां तक बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि यहां पे ये काम किया जा रहा था जो बैरागोड़ा के कुमार डुब्बी गांव में जो चल रहा था ये वहां पे एकदम अभी जैसा देखा जा रहा है वहां पे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। एक बच्ची की मौत, एक बच्ची की भी मौत हो गई है, एक महिला की भी मौत हो गई है वहीं पे। ये अब जो है अब देखा जा रहा है कि वहां पे पटाखा रखा गया था, अवैध तरीके से पटाखा रखा गया था और सिलेंडर के में आग लगने की वजह से इस तरह की घटना घटी है।
वहीं पे ये कहा जाए कि प्रशासन भी एक तरह से चौकस नहीं थे, क्योंकि जहां तक है कि त्यौहार नजदीक है, जिसकी वजह से अवैध तरीके से जमा किया जा रहा था, और इसके दरमियान है ना इस तरह की घटना घटी है जहां पे पहले पटाखे में आग लगी, फिर उसके बाद गैस सिलेंडर में लगी, जिसके वजह से आग बढ़ते चला गया और 14 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है, अब कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने क्या किया है, क्योंकि हादसे के पहले तो होती नहीं है कार्रवाई, हादसे के बाद ही होती है। बिल्कुल, जिस तरह से जैसे ही घटना की सूचना के बाद वहां पर जो है सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व मंत्री दिनेश सारंगी, डीसी अमित कुमार, एसएसपी अनुपी मैथ्यू और एडीएम सुबोध कुमार और एसडीओ आरके दुबे, जितने भी लोग थे वो मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है और अब आगे देखना है कि किस तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है परिजनों को, जो लोग मरे हैं परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50,000 रुपये की सहायता की घोषणा की गई है। रजनी, मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है, लेकिन लाला जी बार बार दुख इस बात को होता है कि सबको पता है कि त्योहार आएंगे तो जो लोग हैं अब उनकी भी मजबूरी कहे या क्या कहे, गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्रियां चलती हैं, वहां पर काम होता है, लेकिन वही कि जब पता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी आशंका है, तो क्यों झारखंड पुलिस तैयार नहीं थी, सरकार तैयार नहीं थी, क्यों आसपास के इलाकों में, हालांकि ये पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ इलाका है, लेकिन जो क्षेत्र के विधायक हैं वो अलर्ट रहते, वो प्रशासन को बोलते कि छापेमारी करिए ऐसी जगह पर, क्योंकि हम देख रहे हैं जो आंकड़े हम बार बार दिखा रहे हैं, 5 साल पहले सितंबर में ही 2012 में तमिलनाडु में इतना बड़ा हादसा हुआ, पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, 38 लोगों की जान चली गई, और इसके पहले बालाघाट में हुआ, इसी के साथ हम लगातार दिखा रहे हैं कि अभी पंजाब में इसी सितंबर महीने में हुआ है। क्या देश में कुछ चलता है उससे कोई लेना देना नहीं है राज्य की सरकारों को? बिल्कुल बिल्कुल रजनी, जिस तरह से ये कहा जा रहा, देखा जा रहा है कि हमेशा ये हो रहा है कि अवैध तरीके से ये जो है पटाखे की फैक्ट्री वहां पे लगी हुई थी, फिर भी राज्य सरकार के जो है आप के नीचे इस तरह का काम किया जा रहा था, लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं पता थी और भी बहुत। चलिए आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं बीजेपी के सांसद विद्युत वरण महतो, क्योंकि वो खुद जायजा लेने भी पहुंचे थे, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता उन लोगों की स्थिति। बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्युत वरण महतो जी, अभी हालात क्या है वहां पर, क्योंकि आप भी वहां पर गए हुए थे, आपने देखा है कैसे रो रहे थे, बिलख रहे थे, कैसे हादसा हुआ है, क्या हालात है वहां पर, सरकार अब कैसे मदद कर रही है? सरकार वो जैसे हमको पता चला, हमने तुरंत डीएम को बात की और डीएम का तुरंत दंकल वगैरह के वहां पहुंचा, पटाखा तब भी फूट ही रहा था, हम लोग पहुंचने के बावजूद भी 3 तला बिल्डिंग का जो सामने तरफ से क्रश किया, वो ग्रामीण हाट लगता है उस ग्राम में, तो हाट में जो है ग्रामीण सब आया हुआ था, जिसके चलते थोड़ा दब गया था कुछ आदमी, तो मोटा मोटी 6 आदमी का जो है इसमें देहांत हो गया, 10-12 आदमी जो है घायल हुआ है। विद्युत वरण जी, ये जो इलाका है कुमार टूबी का, हाँ ये कहा जा रहा है ये फैक्ट्री यहाँ पर अवैध तरीके से चलती है, दिवाली के पहले हम दिखा रहे हैं, शायद आपको भी याद होगा। एक्चुअली मैम वो जो गांव है ना, हाँ, वो कभी कभी ये लोग अपने से फटाका बना, कोई इंडस्ट्री जैसा नहीं है, हाँ हाँ इंडस्ट्री नहीं है, कभी कभी पर्व उरम में जो है ना देहात का ये रावण दहन वगैरह होता है, जिसके चलते ये लोग कुछ फटाखों का करता, शादी बिहार में कुछ ऑर्डर ले लेते हैं, ऐसा कारखाना नहीं चलता हूँ, लेकिन ये कभी कभी पर्व त्योहार में लोग बनाता है, तो उसी का तहत कल अचानक बोला ठंड का गिरा, उसी में गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर फटने से वो पूरा 1-3 तला एक साइड में गिर गया, और गिर जाने के बाद कुछ लोग वहाँ हाट कर रहे थे, मैंने हाट बाजार लगा हुआ था, उसी में गिरा जिसमें लोग दब गया कुछ, और बेचारी एक मासूम सी बच्ची की भी डेथ हो गई है 6 महीने की। आपके पास लौटेंगे हम, हमारे साथ प्रभात कुमार जी जुड़ गए हैं जो की ग्रामीण SP है। सबसे पहले तो प्रभात कुमार जी स्वागत है, और जी थैंक यू, आपसे अभी जो हालात है इतनी बुरी तरीके से एक मासूम सी बच्ची इसमें मारी गई, अभी तक 8 लोगों की खबर है, अभी आपके पास क्या खबर, कितने लोग जख्मी, कैसे इलाज चल रहा है उनका? जो लोग जख्मी है वो लोग आउट ऑफ डेंजर है, इलाज चल रहा है जमशेदपुर में, दे आर आउट ऑफ डेंजर, उनको कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है उनके लिए, और बाकी जो लोग कल हादसे में जिनकी मौत हो गई उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
अभी कोई आंकड़ा, क्योंकि खबरें आ रही है 8 लोगों की डेथ हुई, 9 भी कुछ लोग बोल रहे हैं, 9 लोग भी बोल रहे हैं। हाँ, टोटल कैजुअलिटीज 9 है और बाकी सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, ऑल डेब्री हैज बीन क्लियर, बिल्डिंग को भी चेक कर लिया गया है, तो अब कहीं से कुछ भी नहीं है। हाँ, तो 9 लोगों की मौत। हम भी चलिए इस आंकड़े को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हम शुरू से 8 ही बता रहे थे, लेकिन अब 9 लोगों की जान चली गई है, एक बड़ा आंकड़ा है ये। प्रभात कुमार जी, आपसे सवाल ये कि वो जो इलाके में बताया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से वहां पर ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, आप अब उसे फैक्ट्री कहें या फिर वहां पर जो पटाखे बनाए जाते रखे जाते हैं, क्या आप लोगों को खबर नहीं है? क्योंकि हम कह रहे हैं मातम के बाद महोत्सव, शायद आपको भी याद होगा 2012 में तमिलनाडु में इतना बड़ा हादसा हुआ था 5 सितंबर को, 38 लोग मारे गए थे। ये जो हादसे देश में होते हैं पटाखा फैक्ट्री में, क्या हमें सबक नहीं लेना चाहिए, उन सबसे तैयार नहीं रहना चाहिए? नहीं, इसकी देखिए इसकी जानकारी तो डेफिनेटली नहीं थी, जानकारी होती तो कार्रवाई डेफिनेटली हो जाती, और ये कोई इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं है, ये गांव में कुछ लोग नो त्योहार से पूर्व, अभी जैसे दुर्गा पूजा होने वाला है या इसके बाद दीपावली आने वाली है, तो उससे पूर्व अपने त्योहार मनाने के लिए कुछ लोग बनाते हैं इस गाँव में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और उसी में ये हादसा हुआ है, और बेसिकली कैजुअलिटीज बिल्डिंग का एक दीवार गिरने से ज्यादा हुआ है, उसी में लोग दब गए थे ज्यादा हुआ। अब आप लोगों ने पुलिसिया जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई किस पे क्या की है, ये और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा अभी प्राइमरी फोकस तो कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन पे था, जो लोग जख्मी थे उनको इलाज के लिए त्वरित रूप से भेजा गया अच्छे हॉस्पिटल में, तो प्राइमरी फोकस वो था, और अभी सुबह से हम लोग लगे हुए थे यहाँ जो मलबा पड़ा हुआ है जो डेबरी उसको क्लियर करने में, ताकि गांव के लोगों का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चालू हो सके, तो वो सब कुछ हो गया है, अभी लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई है यहाँ, बाकी आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और जो भी इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे, जो भी संलिप्त है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और वक्त चाहेंगे, हमारे साथ सांसद साहब भी जुड़े हैं, विद्युत वर्मा महतो जी, अभी जो कार्रवाई है ठीक है, जो नॉर्मल आप लोग कह रहे हैं, लेकिन शायद जिंदगी लोगों की नॉर्मल नहीं हो पाएगी, किसी की 6 महीने की बच्ची चली गई, किसी का अपना बेटा चला गया, ये हालात से क्या सरकारों को सबक नहीं लेना चाहिए? जैसे हम बार बार कह रहे हैं भाई देश में कहीं पर कुछ होता है त्योहार के पहले, क्यों सबक नहीं लेते हम लोग, क्यों मरने के बाद आंसू बहते हैं, उसके बाद हम पोंछते हैं, मुआवजे का मरहम लगाते हैं? विद्युत वरण जी, आवाज आ रही है हमारी? चलिए, हमारे साथ मनमोहन सिंह राजपूत जुड़ गए हैं, जो न्यूज इंडिया के चैनल हेड हैं, महासचिव जेएमएम के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद पांडे जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। विनोद पांडे जी, इतना बड़ा ये हादसा, हालांकि बार बार सरकार ये कह रही है वहां कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, हाँ, अब आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों को भी जानकारी नहीं रहती है कि कहां पर क्या चलता रहता है, वहां के लोग पटाखे बनाते हैं, क्योंकि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि वहां गैर कानूनी तरीके से हमेशा काम होता है? नहीं, देखिए ये घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी बंगाल के बॉर्डर पे, भारागोरा का ये घटना है, और जहां तक जानकारी की बात है, ऐसी जानकारी रहने से तो हम लोग प्रशासन को आगाह करते ही है, लेकिन मेरे समझ से ये जो भी चीजें वहां पे चल रही थी या जिस तरह की घटनाएं घटी, तो जिस तरह का वहां पर काम चल रहा था, जो घटना घटी है, इसकी जानकारी हमको लगता है कि प्रशासन को होनी चाहिए, और बिना ये मिली भगत से इस तरह का काम नहीं चल सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटे मोटे स्तर पे ये काम नहीं होता है। लेकिन ग्रामीण SP जुड़े हमारे साथ, प्रभात कुमार जी, वो कह रहे हैं ऐसी कोई जानकारी नहीं, वहाँ कुछ लोग काम करते हैं, फैक्ट्री नहीं चलती है, वो उनकी इन्फॉर्मेशन ये है। नहीं नहीं, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी जानकारी होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि जब कुछ लोग वहाँ काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे कुछ लोग नहीं, वहाँ ज्यादा संख्या में लोग काम करते होंगे, जिस तरह से ये विस्फोट हुआ, जिस तरह से वहाँ पर पटाखों का पूरा गोडाउन था, तो हम समझते हैं कि इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगर मान भी रहे कि इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है, तो आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी होगी, स्थानीय जो वहाँ लोकल जो थाना है या जो हमारा यहाँ पे एजेंसी जो काम करता है, पुलिस का जो एजेंसी, उसको जानकारी होनी चाहिए। और इस तरह की जब घटनाएं घट जाती है,
तब हम इस पर फिर आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होते हैं। चलिए वही हो रहा है। हम चाह रहे हैं कम से कम महोत्सव के पहले ये मातम ना हो। हमारे साथ चैनल हेड मनमोहन सिंह जी, आप ये जो हम बार बार कह रहे हैं महोत्सव के पहले मातम क्यों, हम आंकड़े भी बार बार दिखा रहे हैं, क्या ये संभव नहीं है? सरकारें प्रशासन अगर जागे दिवाली दशहरे के पहले तो ऐसे हादसों को हम रोक नहीं सकते। कई निर्दोष लोग मारे गए, 6 महीने की बच्ची मर गई, क्या कसूर था बेचारी का? रजनी, जहाँ तक बात कसूर का और जहाँ तक बात प्रशासन की लापरवाही का है रजनी, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी दीपावली से रिलेटेड जब भी पटाखे को बेचने जब कारोबार आता है रजनी, सबसे पहले जब भी दीपावली, मैंने कहा आप ये सोच लीजिए जमशेदपुर में ये पहली घटना नहीं है रजनी, जमशेदपुर में ये ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। और अगर जिस तरह से प्रशासन, प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये चीज बोला कि उनको जानकारी नहीं, तो जानकारी होती तो कार्रवाई करते, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, मैं उनके ऊपर कुछ ना बोलना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से विनोद पांडे जी ने कहा कि जानकारी अगर उनको नहीं है, लेकिन जो उस फैक्ट्री में या कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां आवागमन जारी होता और कोई ना कोई वहां आता ही जाता रहता, तो बिना प्रशासन के जान के, बिना प्रशासन के जानने वाले लोगों से ऐसे इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं चल सकती है। और फैक्ट्री रही बात, अगर उसको फैक्ट्री का नाम ना भी दे, उसको अगर गोदाम का नाम दे दे, उसको किसी चीज का नाम दे दे, लेकिन अगर वहां पर कार्य हो रहा था तो उनको, वहां के लोकल प्रशासन को जरूर पता होगा कि हाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो चल रही होगी, सबसे बड़ी बात। और ये रजनी पहली घटना नहीं है, दीपावली में हर साल जमशेदपुर में ऐसी घटना लगातार देखने को मिलती है, और मैंने देखा है इस चीज को लेकर के, चाहे वो जुगसलाई का ले ली, जमशेदपुर में जुगसलाई बहुत बड़ा मार्केट है फैक्ट्री फटाके को लेकर के, तो ऐसे कई बार वहां पर ऐसे हादसा हुआ, और उससे अगर सरकार और उससे प्रशासन अगर सबक नहीं लेता तो इसे सोचने वाली बात है। तो रही बात, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की निजी चीज को, आज 8 लोगों के मौत के जिम्मेवार आखिर कौन है? अगर जिस तरह से 9 लोग हो गए जिस तरह से बताया एसपी साहब ने हमें, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह के चीजों पर हम क्यों नहीं रोक लगाते हैं? अगर गैर कानूनी ढंग से ये चल रहा था, उस पर अगर हम रोक लगाते शायद ये हादसा नहीं होता। ठीक है, एसपी साहब ने बोला कि अभी कैजुअलिटी जो भी, हमारी ध्यान पूरा उसी की तरफ है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बिना लोकल प्रशासन को वहां जानकारी दिए और बिना जान के उनके, इस तरह के इतना बड़ा फैक्ट्री नहीं चल सकता रजनी। विनोद पांडे जी के बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन को जरूर पता होगा इतने बड़ा फटाका और इतने बड़े गोदाम यहां पर है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और इतने लोग यहां पर घायल हुए हैं। तो कम से कम प्रशासन को और सरकार को इसे देखना चाहिए, अगर ऐसी चीजें चलती तो इनको दीपावली से पहले इनके ऊपर तुरंत छापा मार करके इनको कार्रवाई करके इनको बंद कराना चाहिए। हर साल ऐसी घटनाएं होती है रजनी, ये पहली घटना नहीं है जमशेदपुर में। प्रभात कुमार जी, हमारी आवाज आ रही है क्या? प्रभात कुमार जी, अब क्या आप लोगों ने सबक लिया है? क्योंकि अभी दिवाली आनी है, दशहरा ऐसा एक नहीं कई जगहों पर चलता है, लोग लेकर आते हैं पटाखे, अपने घरों में रखते हैं, गलत तरीके से बेचते हैं, क्या उम्मीद की जाए कि अब ऐसा हादसा नहीं होगा? हम लोग रोक सकते हैं क्या हादसों को? नहीं, बिल्कुल हम लोग पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के कहीं भी कुछ अगर है तो उसको जानकारी करके उसके समय रहते कार्रवाई की जाए, और उस पर पूरे प्रशासन एकदम सख्त है, तो इस पर हम लोग अलर्ट होकर के पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर कहीं आपके ही लोगों की लापरवाही रही, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि लोकल जो लोग हैं वहां के, उन्हें तो पता ही होगा, अगर उन्हें जानकारी है, अगर उनकी मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है, तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले बोला कि अभी तक जो सूचना मिली है उसमें जानकारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हम लोग इस पर डेफिनेटली एक जांच करवाएंगे, और अगर ऐसी कुछ पाई जाती है तो उस पर किया जाएगा। चलिए मनोज जी, सरकार मुआवजे का मरहम लगा रही है, हम बार बार कह रहे हैं कि हादसों को रोका जा सकता है, क्या विनोद पांडे जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जैसे कि हमारे चैनल हेड भी कह रहे थे कि जमशेदपुर में कई बार ऐसे हादसे होते रहे हैं, क्या सबक नहीं ले रहा है, या फिर ये सोचते हैं चलो अब हो गया अब नहीं होगा, कोई सबक लेता नहीं दिख रही है वहां के प्रशासन, कम से कम जमशेदपुर खास तौर पर अगर हम बोले तो? नहीं, देखिए इस तरह की घटनाएं हमको लगता है कि हमेशा होती है, और उसके बावजूद अगर हम सबक नहीं लेते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, घर जल करके खाक हो जा रहे हैं, हम मुआवजा का घोषणा करते हैं और फिर ये बात आई गई हो जाती है। अगर हम सख्ती से इन सारे चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमको लगता है कि इस तरह के जो हादसे होते हैं उसको हम रोक सकते हैं। अब जैसे दीपावली नजदीक आ रहा है, अभी ये पटाखों का बाजार रहेगा, लोग जगह जगह दुकान लगाएंगे, जगह जगह इस तरह के सामान बिकेंगे,
तो वैसे जगहों पर भी अगर हम उसको लाइसेंस दें, उसका जो जो सावधानी हमको बरतनी है उसके लिए प्रशासन तैयारी करे, जहां पर इस तरह के सामान रखे जाते हैं, जहां तक बेचे जहां बेचे जाते हैं, और खास करके आप देखेंगे कि पूजा का समय में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सबसे ज्यादा इस तरह का माहौल आपको उसी को न्यूज इंडिया अलर्ट कर रहा है। प्रभात कुमार जी, न्यूज इंडिया पर आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से और क्या उम्मीद रखें प्रशासन से, आगे बचेंगे ऐसे हादसों से, बचाया जाएगा लोगों को? नहीं बिल्कुल, मेरा लोगों से यही कहना है कि अपने घर में इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं करें और घर में पटाखे स्टोर नहीं करें। बाकी अगर कहीं ऐसी संलिप्तता पाई जाती है तो प्रशासन अपना काम करेगी। चलिए, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकते हैं पुलिस को, ये हमारे दर्शक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सांसद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनमोहन सिंह और विनोद पांडे जी आपका भी शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शोक जरूर है दिल में, मातम महोत्सव के पहले जो होता है शायद अब सबक लेने की जरूरत है हम सबको भी, क्योंकि अगर हमारे आसपास ऐसा कोई फैक्ट्री गोदाम चल रहा है तो हमें बताना जरूरी है। कल के दिन हादसा होगा तो कहीं आपके बच्चे आपके अपने ना आपसे बिछड़ जाएं, इस बात का भी ख्याल रखिए। तमाम लोग थोड़ा जागरूक होइए। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरें देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।